Hi everyone, today we are going to discuss the method of correlation, Karl Pearson's coefficient of correlation. This is the topic of class 11th of statistics. Correlation हमने already discuss किया है क्लासेस में. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि मेथड्स इसकी क्या है, मेथड्स ऑफ कोरिलेशन, मेथड्स ऑफ कोरिलेशन. जबकि हम जानते हैं कि इसके कुछ तीन मेथड्स हैं. पहला मेथड जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है क्लासेस में, स्कैटर्ड स्कैटर डायग्राम इज एक्चुअली अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोरिलेशन. हम कोरिलेशन समझते हैं कि कोरिलेशन वेदर इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ. उसमें क्या करते हैं, हम डॉट्स प्लॉट करते हैं एक एरिया में, फिर उन डॉट्स के जरिए हमें ये कंफर्म हो जाता है कि वेदर द रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल एक्स एंड वेरिएबल वाई इज पॉजिटिव और नेगेटिव. तो वो सारा हमने डिस्कस किया है, उसमें कुछ रिलेशंस डिग्रीज हैं, डिग्रीज जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, डिग्रीज बहुत सारे डिग्रीज हैं, नियर अबाउट 9 डिग्रीज जो हमने ऑलरेडी पढ़े हैं, जो कि हमें फाइंड आउट करने होते हैं कि कौन सी डिग्री है. इसमें पॉजिटिव की परफेक्ट पॉजिटिव होती है और परफेक्ट नेगेटिव होती है, जीरो होती है, लो कोरिलेशन होती है, हाई कोरिलेशन होती है, मॉडरेट कोरिलेशन होती है. तो वो हमें अभी डिस्कस नहीं करना क्योंकि अभी हमें अपना टॉपिक है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जो कि दूसरा मेथड है. पहला है स्कैटर डायग्राम मेथड, दूसरा है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. अगर आपको याद होगा कि जब हमने स्कैटर डायग्राम पढ़ा, इसमें एक लिमिटेशन है. जब हम ग्राफ बनाते थे तब क्या होता कि जो हमारा ग्राफ बनता था बाय द हेल्प ऑफ प्लॉटिंग डॉट्स, तो वो डॉट्स ना हमें एक इंफॉर्मेशन मिस करती, मतलब एग्जैक्ट डिग्रीज वहां पे नहीं दिखती है. हम खाली वहां पर ये बता सकते हैं कि वेदर दिस इज लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन और हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन. जबकि हमें पता है कि लो डिग्री में अगर जाएंगे तो जीरो से स्टार्ट होता है, जब हमारा कोफिशिएंट निकलता है जीरो से स्टार्ट होता है 0.25. अगर पॉजिटिव साइन होगा तो पॉजिटिव कोरिलेशन, अगर नेगेटिव साइन होगा तो नेगेटिव कोरिलेशन. तो इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए हमारा दूसरा मेथड है कि जो कि कार्ल पियर्सन ने एक फार्मूला दिए, जिस फार्मूला को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड. इसका दूसरा नाम है प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड. प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड ये एक फॉर्मूला है, किसने दिए, कार्ल पियर्सन, स्टैटिस्टिशियन है कार्ल पियर्सन. कब दिया है, 1890 में. इसने क्या किया, एक फॉर्मूला दिए, उस फॉर्मूला से क्या निकला, उस फॉर्मूला से एक कोफिशिएंट निकला. कोफिशिएंट मतलब एक नंबर मिला है पॉजिटिव 1 से लेके नेगेटिव 1 तक,
जितने भी फ्रैक्शंस आएंगे, चाहे 0.5 निकलेगा, माइनस 0.5 निकलेगा, 0 निकलेगा, 0.5, 0.4, 0.3, 0.9, जो कुछ निकलेगा फ्रॉम माइनस 1 टू प्लस 1, तो उन वैल्यूज से हम ये पता चलता है, हम नाम दे सकते हैं कि डिग्री कौन सी है। डिग्री मतलब रिलेशन, अगर दो वेरिएबल्स की निकालनी है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, इनमें क्या रिलेशन है, रिलेशन कैसे हम जानते हैं। जैसे कि रिलेशन पॉजिटिव होगी तो दोनों वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में जाएंगे, अगर नेगेटिव होगी, इनकी नेगेटिव होगी, तब तो एक पॉजिटिव इंक्रीज हो जाएगा, दूसरा डिक्रीज हो जाएगा, जो हमें ऑलरेडी पढ़ा है। तो हमें वो सारी बातें अभी डिस्कस नहीं करनी है, हमें बस निकालना है कि डिग्री कौन सी है और रिलेशन कौन सी है। एक तो याद रखना है, एक तो रिलेशन निकालनी है, वेदर द रिलेशन इज पॉजिटिव और नेगेटिव एंड अलॉन्ग विद डिग्री, कौन सी डिग्री है, डिग्री मीन्स स्ट्रेंथ, हाउ द रिलेशन इज स्ट्रॉन्ग बिटवीन द वेरिएबल्स। अगर वेरिएबल दो है, अगर पॉजिटिव रिलेशन है, ये भी इंक्रीज हो जाता है, ये भी इंक्रीज हो जाता है। अब इनमें से डिग्रीज जानिए, डिग्रीज मतलब अगर थोड़ा एक्स थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, तो अगर वाई भी सेम प्रपोर्शन में इंक्रीज हो जाएगा, दैट मीन पॉजिटिव रिलेशनशिप विद परफेक्ट डिग्री। अगर एक्स इंक्रीज हो जाता है लेकिन वाई थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, सेम डायरेक्शन में दोनों जाते हैं, मगर इसमें इंक्रीज कम हो जाता है, इसमें ज़्यादा होता है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं पॉजिटिव रिलेशन है बट डिग्री स्लो है, इसका असर शायद इस पर बहुत कम पड़ा है। अगर बराबर सेम प्रपोर्शन में दोनों इंक्रीज हो जाएंगे तो परफेक्ट, अगर ये इंक्रीज हो जाता ही नहीं, ये इंक्रीज होगा ही नहीं, एक्स इंक्रीज हो जाएगा, वाई इंक्रीज हो जाएगी नहीं, तो दैट मीन्स वी आर सेइंग दैट देयर इज नो जीरो कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तब हमें निकालना है, जीरो है, परफेक्ट है, परफेक्ट पॉजिटिव है, परफेक्ट नेगेटिव है, वो सारे चीज़ें हमें निकालनी है। कैसे निकालेंगे, बाय द हेल्प ऑफ कोएफिशिएंट। आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि आज पहला टॉपिक है कार्ल पियर्सन का। अब कार्ल पियर्सन ने जो फार्मूला दी थी वो फार्मूला है क्या, इसमें तीन मेथड्स हैं, थ्री मेथड्स। कार्ल पियर्सन ने जो फार्मूला दी है उसने तीन तरीके में दी, दैट मीन्स थ्री मेथड्स आर देयर। फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। दूसरा है शॉर्टकट मेथड, तीसरा है स्टेप डिविएशन मेथड। बट अभी हम क्या करेंगे, अभी हम डायरेक्ट मेथड पहले करेंगे। डायरेक्ट मेथड में हम करेंगे जो कि कोरिलेशन कार्ल पियर्सन ने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दी है, वो हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। रिमेंबर दिस वन, हमें बार बार ये नहीं लिखना है कि कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इक्वल टू दिस फॉर्मूला, नो, वी कैन सिंपली राइट आर, दिस मीन्स कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ डी एक्स dy root summation of dx square into summation of dy square। असल में ये जो फार्मूला है बनाई है कार्ल पियर्सन ने, लेकिन किन के जरिए से बनाई, मतलब यहां पर क्या क्या चीजें इसने इसमें डाले, इसमें इसने डाले हैं डिविएशन ऑफ एक्स, डिविएशन ऑफ वाई, उनको सम किया है, नीचे रखा है स्टैंडर्ड डिविएशन, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बोथ एक्स एंड वाई। तो इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, ये है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, जब हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जब हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमें मैसेज देगा कि वहां पर पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन है, और कोरिलेशन के साथ साथ डिग्रीज हमें पता चलेगी। कैसे, जब वहां पे साइन होगा, चाहे पॉजिटिव साइन होगा तो पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव कोरिलेशन,
तो जो नंबर होगा वो डिग्रीज कहलाता है। अब हम ये बात एक एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल कैसे हम इस बात को समझेंगे कि अगर दो सीरीजें हमारे पास होंगे तो उनको सॉल्व करके लास्ट में एक कोफिशिएंट निकालेंगे और उस कोफिशिएंट के जरिए हमें ये मैसेज मिलेगी कि इन दो वेरिएबल्स की बीच में कौन सी रिलेशन है। एक्स चाहे ये एक्स ये कुछ भी हो सकता है, मैंने यहाँ पर डिनोट किया है एक्स। इट मे बी द हाइट, इट मे बी द वेट। ये हाइट यहाँ पे हो सकता है, ये वेट यहाँ पे हो सकता है। मैं लिखूंगा फॉर एग्जाम्पल हाइट एंड वेट। हाइट एंड वेट मतलब अगर मैं किसी स्कूल में जाऊंगा या किसी क्लासरूम में जाऊंगा तो वहां पर मैं चेक करूंगा 5-10 स्टूडेंट्स को मैं उठाऊंगा, मैं उनको देखूंगा कि उनकी हाइट कितनी है, उनका वेट कितना है। किसी भी स्टूडेंट से मैं पूछूंगा आपकी हाइट, वो अपना हाइट बोलेगा, वेट बोलेगा, हाइट बोलेगा, वेट बोलेगा, हाइट बोलेगा, वेट बोलेगा। जितने भी स्टूडेंट्स होंगे हाइट वेट, उनकी हाइट वेट, किसी स्टूडेंट की हाइट, उसी स्टूडेंट का वेट, हाइट वेट। तो उसको मैं फिर सॉल्व करके लास्ट में एक कोफिशिएंट निकालूंगा। बट यहाँ पर मैं हाइट वेट नाम नहीं रखता हूँ, सिंपली नाम रखता हूँ एक्स एंड वाई, क्योंकि कल को कोई भी एग्जाम्पल हो सकती है आपको वहाँ पे हाइट और वेट नहीं होगा, तब उस टाइम आप डिनोट कर सकते हो एक वेरिएबल को एक्स से, दूसरे वेरिएबल को वाई से। तो हम किसी भी नंबर को लेंगे, टेन, ट्वेंटी, थर्टी, फोर्टी, फिफ्टी। एक्स इंक्रीज हो जाता है, एक्स इंक्रीज हो जाता है फ्रॉम टेन टू फिफ्टी, टेन टू ट्वेंटी, ट्वेंटी, थर्टी, फोर्टी, फिफ्टी। ये मैंने कोई भी सीरीज यहाँ पे डाली। दूसरी सीरीज अगर मैं सेम तरीके से उसको भी इंक्रीज करूँ, टेन, ट्वेंटी, थर्टी, फोर्टी एंड फिफ्टी, जाहिर सी बात है पहले ही पता चल जाता है कि यहाँ पे पॉजिटिव कोरिलेशन है। पॉजिटिव कोरिलेशन भी है और परफेक्ट भी लग रहा है, मुझे लग रहा है, क्योंकि सेम वैल्यूज जा रहे हैं, यहाँ से इंक्रीज जा रहा है, यहाँ से भी इंक्रीज जा रहा है। तो हम ऐसे ही मान के चलेंगे कि यहाँ पे परफेक्ट पॉजिटिव हो सकती है, नहीं, हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? एक टूल दिया किसने? कार्ल पियर्सन ने। कौन सा टूल? प्रोडक्टिव मोमेंट मैथड। चलो उस फॉर्मूला को पहले लेंगे। वो फॉर्मूला थी क्या जो अभी हमने लिखी थी, समेशन ऑफ डी एक्स डी वाई, समेशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ डी वाई स्क्वायर, ठीक है। इस पे नजर रखनी है, इस पे नजर रखने के बाद हमें टेबल यहां पे बनाना है। फॉर्मूला मांगती क्या है? समेशन ऑफ डी एक्स डी वाई किसी का सम है, मतलब ये कॉलम है, डी एक्स डी वाई एक कॉलम है। यहां पर डी एक्स डी वाई कोई कॉलम है ही नहीं, यहां पर डी एक्स डी वाई कोई कॉलम है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले डी एक्स निकालेंगे। डी एक्स निकलता कैसे? डी एक्स इज जस्ट अ डिवीजन, डिवीजन ऑफ एक्स, मतलब ये जितने भी वैल्यूज है, सारे वैल्यूज है, जितने भी वैल्यूज है एक्स, ये देखना है कि डिवीड कितने हुए हैं मीन से। मीन कहाँ पे है? अभी मीन निकालना है पहले, तो सबसे पहले हमें एक्स निकालना है, मीन निकालना है। कैसे निकालते हैं? समेशन ऑफ ये जो पता है यहाँ पे है ऑलरेडी इंडिविजुअल सीरीज, समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाई एन। एक्स क्या है? इनका सम कितना निकलता है? 150। तो 150 यहाँ पे करेंगे, 150 डिवाइड बाय एन, 1, 2, 3, 4, 5, 30। मीन इज इक्वल टू 30 बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, मीन इज इक्वल टू 30।
दिस इज कॉल्ड एक्स बार। इसी तरीके से हमें इस सीरीज का भी मीन निकालना है, हम उसको एक्स बार नहीं लिखेंगे, वाई बार लिखेंगे, जबकि एक्स बार मीन होता है। यहाँ पर अगर एक्स बार लिखेंगे तो ये सेम बन जाएगा, इसलिए हम वाई बार लिखेंगे। दैट्स समेशन ऑफ दिस कॉलम, समेशन ऑफ वाई डिवाइड बाई एन इज इक्वल टू द मीन ऑफ दिस सीरीज। वैल्यूज से आएंगे तो समेशन सेम आ जाएगा, 150 डिवाइड बाई 30। ठीक है, तो पता चलता है कि यहाँ पर इसको हमें मीन बोलना है, इसको भी मीन बोलना है। ये मीन है वाई सीरीज का, ये मीन है एक्स सीरीज का। तो इन दो मीनों को हमें यूज करना है डी एक्स और डी वाई निकालने के लिए। डी एक्स और डी वाई, डी एक्स निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या है, अर्ली क्लासेस में डिस्कस किए ये बातें, एक्स माइनस एक्स बार, ये एक्स है, ये एक्स बार है, एक्स माइनस एक्स बार, टेन माइनस 30, दैट मीन्स माइनस 20, 20 माइनस 10, माइनस 10, 30 माइनस 30, 0, 40 माइनस 30, 10 पॉजिटिव, एंड दिस माइनस दिस 20 पॉजिटिव। ऊपर देखना x माइनस एक्स बार, इसी तरीके से y माइनस y बार, y क्या है, ये वैल्यू, ये सारे वैल्यूज y क्या रहते हैं, दैट मीन्स y 10 माइनस 30, सेम 10 माइनस 30 माइनस 20, 20 माइनस 30 माइनस 10, 30 माइनस 30 0, 10 20। ठीक है, मीन हमने निकाला, अब जरूरत नहीं यहाँ पे रखने का, दैट मीन्स हम डिलीट करेंगे इसको, और इसको याद रखना है, समेशन ऑफ डी एक्स डी वाई, डी एक्स कहाँ पे है, यहाँ पे डी वाई, इन दोनों को पहले मिलाना है, हमें एक कॉलम बनाना है, डी एक्स डी एक्स डी वाई, फिर उस कॉलम का सम चाहिए हमें, उसको हम नाम रखते हैं समेशन ऑफ डी एक्स डी वाई, उस वैल्यू को उठा के यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो डी एक्स क्या बन जाएगा, 400 वेल, अच्छा ये हमारा निकला, कैसे निकलेगा, 8000 इसका सम। तो इस 1000 का नाम हम रखेंगे समेशन ऑफ डी एक्स डी वाई, क्लियर। इसके बाद क्या चाहिए नीचे, समेशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर और समेशन ऑफ डी वाई स्क्वायर। डी एक्स स्क्वायर है कहाँ, है नहीं तो बनाना पड़ेगा, डी एक्स को डी एक्स स्क्वायर बनाएंगे, हम तो फंस गए यहाँ पर, तो प्रॉब्लम हो गई बोर्ड की। डी एक्स को डी एक्स स्क्वायर बनाएंगे, डी एक्स को स्क्वायरिंग करेंगे, 20 × 20 400 माइनस कैंसिल हो जाएगा, दिस 100, दिस इज 0, दिस इज 100, दिस इज 400। इसी तरीके से ये डी वाई है, डी वाई को हम डी वाई स्क्वायर करेंगे, 20 × 20 400। ये मैंने यहाँ पे वैल्यूज रखे हैं ईजी, इसलिए कि थोड़ी सी कैलकुलेशन आराम से हो जाए, उसके बाद आप घर में किसी भी वैल्यूज पे ट्राई कर सकते हो। तो 100 इसका बन जाएगा 0, इसका बन जाएगा 100 400। तो इसका सम लेंगे तो 1000 बन जाएगा, इस पूरे कॉलम का सम ले करेंगे तो 1000 बन जाएगा। इस 1000 का नाम समेशन ऑफ डी एक्स डी वाई, इस 1000 का नाम डी एक्स स्क्वायर का सम, दैट मीन समेशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर, इस 1000 का नाम समेशन ऑफ डी वाई स्क्वायर। तो इन वैल्यूज को हमें यहां पर फॉर्मूला में डालनी है, तो कैसे करेंगे, 1000 यहां पर ये वाला 1000, नेक्स्ट रूट 1000 इंटू 1000, इसको कैलकुलेट कर लो,
थाउजेंड, इसको करेंगे हम 3, 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 टाइम्स 0 1000 डिवाइड बाई, इसको रूट करेंगे तो क्या बनेगा 1000 बन जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो, इसको कैंसिल करेंगे तो 1 बन जाएगा 1। आपको पता होना चाहिए कि जब हमारा आंसर 1 निकलता है तो उस 1 को क्या बोलते हैं, उस 1 को हम बोलते हैं अगर पॉजिटिव साइन होगा पॉजिटिव कोरिलेशन, 1 मतलब परफेक्ट, 1 का मतलब परफेक्ट और पॉजिटिव साइन का मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें हमें दिखते हैं, पॉजिटिव 1 है पॉजिटिव कोरिलेशन परफेक्ट कोरिलेशन, माइनस 1 निकलेगा तो उसको बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन परफेक्ट कोरिलेशन, मतलब नेगेटिव परफेक्ट कोरिलेशन, इसको बोलते हैं पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन। तो ये हमारा तरीका था कि कार्ल पियर्सन के फार्मूला से हम कैसे इस कोफिशिएंट को निकाल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आज इतना काफ़ी है, तो अगले नेक्स्ट चैप्टर में हम और रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ वो पियर्सन का है, दैट्स एनफ टू डू। अस्सलाम वालेकुम।